चलो एक बार जल्दी से सुन लेंगे, दोबारा सुन लेंगे एक बार। विटामिन्स मैंने तुम्हें बता दिया था अभी, विटामिन्स जो है बॉडी हमारी प्रोड्यूस नहीं करती है, जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन अवर डाइट फॉर मेटाबॉलिज्म एंड स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, ठीक है ना। उसके लिए हमें विटामिन सही होते हैं। और अगर हम विटामिन, मैंने वाटर सोल्यूबल बताया, फैट सोल्यूबल बताया, वाटर सोल्यूबल में बी कॉम्प्लेक्स और सी, ये वाटर सोल्यूबल है, ये पानी में सोल्यूबल है, इसलिए एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन के थ्रू, इसलिए रेगुलरली चाहिए होते हैं डाइट के अंदर। विटामिन जो फैट सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल है वो हमारे हैं ए डी ई के, मैंने कहा था इसको कीड़ा वर्ड से याद कर लेना, सही ना, इसको कीड़ा वर्ड से याद कर लेना। और ये फैट सोल्यूबल है तो इसलिए मंथ्स तक स्टोर रह सकते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, हमें रेगुलरली नहीं चाहिए होते डाइट के अंदर। इसके अलावा अब मैंने बता रहा कि अगर एक्सेस होगा इनटेक विटामिन का, जैसे स्पेशली ए और डी, किसका, ए और डी का, तो उससे हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा। और अगर डेफिशिएंसी होगी, और स्पेशली डेफिशिएंसी किसकी होती है, बी और सी की, जो कि पानी में सॉल्युबल है, तो उससे हो जाएगा ए विटामिनोसिस। फिर मैंने तुम्हें विटामिन बी वन बता दी, विटामिन ए बता दिया था, विटामिन ए का केमिकल नेम था रेटिनॉल, और उससे जो डेफिशिएंसी डिसीज होती है वो नाइट ब्लाइंडनेस या जेरोक्सालेमिया होती है, और इसमें कैरेट्स रिच सोर्स थे, कैरेट्स क्या थे, रिच सोर्स थे। और फिर उसके बाद मैंने विटामिन बी वन जिसका केमिकल नेम था थायमिन, और इसके जो यीस्ट है या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है या मिल्क है, ये इसके रिच सोर्स थे। और इसमें बेरी बेरी डिसीज थी, यानी जो भूख कम लगती है तब उसके इसमें हम ये रहते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट बोलते हैं, बेरी बेरी डिसीज का नाम है, डिसीज के नाम जरूर करना है, बोर्ड में जरूर आते हैं, तो ये लेना है। उसमें विटामिन बी टू है, तो केमिकल नेम इसका राइबोफ्लेविन था, राइबोफ्लेविन था। और इसके अंदर लिवर, किडनी, मिल्क, फिश और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये रिसोर्स है इसके। और डिसीज का नाम था इसके, इसमें किलोसिस, जो माउथ माउथ के कॉर्नर पे व्हाइट कलर का आ जाता है स्किन, वो होता है हमारा किलोसिस। और इसमें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी होता है या बर्निंग सेंसेशन होता है स्किन के अंदर, ये विटामिन बी टू है, क्लियर, दिस इज विटामिन बी टू। तो बी टू का बी फोर आया था, बी फोर के अंदर नाइसिन कॉमन नेम था, और पेलेग्रा डिसीज थी इसकी, सोर्सेज वही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पोटेटोज हैं, फिश है, मिल्क है, वही सोर्स है सेम। फिर बी सिक्स आएगा, बी सिक्स पायरिडॉक्सिन, B6 था पायरीडॉक्सिन केमिकल नेम, पायरीडॉक्सिन केमिकल नेम है, मिल्क, एग या फिर दालें वगैरह जो लेते हैं हम, ये सब इसके क्या है, रिच सोर्स है। और इसकी डेफिशिएंसी डिसीज कन्वर्जेंस, ये है कन्वर्जेंस, डेफिशिएंसी डिसीज के कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस इसकी डेफिशिएंसी डिसीज है किसकी, विटामिन B6 की, ये भी बोर्ड में आया हुआ है कन्वर्जेंस। इसमें होता क्या है, जैसे ना वो होता है हार्ट बीट लॉस हो जाती है, मतलब हमें पता है सबको 1 मिनट के अंदर 72 बार हार्ट जो बीट करता है, तो अगर वो ये जैसे बीच में 2-3 बीट्स मिस हो जाती है कई बार, तो उससे कई बार लोग बेहोश वगैरह भी हो जाते हैं, तो वो इसमें होता है कन्वर्जेंस के अंदर, मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होता है इस तरह से, ब्रेन का डिसऑर्डर होता है। तो ये है हमारा वाइटामिन B12, और इसका केमिकल नेम मैंने बताया B6 था, ये B6, और स्पायरिडॉक्सिन इसका केमिकल नेम है वाइटामिन B12। वाइटामिन B12 का केमिकल नेम है हमारा साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, स्पेलिंग मैंने बता दी थी लास्ट टाइम अभी, मीट, फिश, मिल्क, एग, ये सब इसके रिसोर्स हैं। और इसका जो डेफिशिएंसी डिसीज है वो क्या है, परिनीशियस एनीमिया, क्लियर, मतलब कि परिनीशियस एनीमिया, हीमोग्लोबिन जो है उसमें आरबीसी डेफिशिएंट हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन के अंदर आरबीसी डेफिशिएंट हीमोग्लोबिन होता है वो, सही है। तो ये विटामिन B12 है। अब जो हमारे विटामिन सी डी ई के, ये बहुत ईजी है, विटामिन सी सबको पता होगा रिसोर्स इसके, एस्कॉर्बिक एसिड इसका कॉमन नेम है, एस्कॉर्बिक एसिड क्या है इसका कॉमन नेम, एस्कॉर्बिक एसिड का कॉमन नेम है, और सिट्रस फ्रूट बोलते हैं, विटामिन सी की कमी है, तो उससे क्या होता है, उससे हमारा जो गम्स होते हैं वो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होती है, उसमें गम्स के अंदर ब्लीडिंग होती है विटामिन सी का, से विटामिन सी जो है इसमें ब्लीडिंग हो जाती है गम्स में। और इसका सोर्स क्या है, सिट्रस फ्रूट, स्कर्वी डिसीज का नाम है, डिसीज का नाम क्या है, स्कर्वी, स्कर्वी डिसीज का नाम है, सिट्रस फ्रूट स्पेशली बोलते हैं ना, आंवला वगैरह जरूर खाना चाहिए, तो उसमें मतलब जो खट्टा खट्टा वाला फ्रूट है ना वही चीज है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी है लेकिन सिट्रस फ्रूट जैसे आंवला, ऑरेंजेस, ये सब इसके रिच सोर्स है। और विटामिन डी, विटामिन डी तो आजकल अगर चेक करेंगे तो हर एक के अंदर कम मिलता है, किस वजह से कम मिलता है, क्योंकि तो विटामिन डी ये सन से मिलता है, सन जो है रिच सोर्स है इसका, सन में ही मिलता है ये, तो सन में लोग कम जाते हैं इसलिए विटामिन डी की कमी होती है, तो ना विटामिन डी की कमी होती है सबके अंदर ज्यादातर, तो ये ध्यान रखना, विटामिन डी इज रिच सोर्स ऑफ इट मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से ही मिलता है ये, सही ना। तो और इसके अगर इसकी कमी होती है तो इसमें क्या होता है, रिकेट्स इन चाइल्ड, यानी बोन में जो डिफॉर्मेलिटीज आती हैं, बोन के अंदर जो डिफॉर्मेलिटीज आएंगी, रिकेट्स इन चाइल्ड एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट, सही ना, रिकेट्स इन चाइल्ड एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट, ये आपको लेना जरूर,
ये इसकी वजह से दिक्कत आती है, जो जॉइंट पेन्स वगैरह जो आते हैं वो इसी वजह से आते हैं, ठीक है, वाइटामिन डी की कमी से। और इसका वाइटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल के सैचे वगैरह भी आते हैं मार्केट में जिससे वाइटामिन डी की कमी दूर होती है, कैल्सीफेरॉल इसका केमिकल नेम है। ऐसे ही वाइटामिन ई जो है मस्कुलर वीकनेस जो आती है लॉस ऑफ क्या कहते हैं जो सेक्सुअल पावर होता है वो वाइटामिन ई की कमी की वजह से होता है। और इसके लिए हम कहते हैं ना वो जो ऑयल्स वगैरह है वो लेने चाहिए, वीट जम ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये सब लेना चाहिए इसके लिए। तो उसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। वाइटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरॉल, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। वाइटामिन के फाइलोक्विनोन इसका कॉमन नेम है, केमिकल नेम फाइलोक्विनोन, PHYLLOQUINONE फाइलोक्विनोन इसका केमिकल नेम है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का रिच सोर्स है वाइटामिन के का। और वाइटामिन के की कमी से क्या होगा, खून अगर एक बार निकलना स्टार्ट हो गया तो बेहतर रहेगा, वो पुअर कोगुलेशन ऑफ ब्लड होता है अगर इसकी कमी होगी तो वाइटामिन के की। इसलिए हरी सब्जियां वगैरह लेना चाहिए, स्पाइनच हो गया या फिर मस्टर्ड हो गया, सरसों हो गया या पालक हो गया, ये सब ये ले खाना चाहिए। तो इसमें क्या है, ब्लड का क्लॉट करने का टाइम जो है, अगर डेफिशिएंसी डिसीज क्या है, ब्लड क्लॉट नहीं होता, ब्लड क्लॉट नहीं होगा यानी जमेगा नहीं जल्दी, खून निकले बाहर और जम जाए तो उससे वो बहेगा नहीं। लेकिन अगर विटामिन के की कमी है तो खून एक बार निकलना स्टार्ट होगा तो वो बेहतर रहेगा, तो इट इज वेरी फैटल, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और इसको हम हेमरहेज भी कहते हैं, विटामिन के की डेफिशिएंसी डिसीज जो है वो हेमरहेज भी है, HAEMORRHAGE हेमरहेज, स्पेलिंग देख लेना एक बार, HAGE हेमरहेज भी कहते हैं इसको। तो ये पूछ सकते हैं पेपर के अंदर, तो ये करना जरूर। लास्ट है विटामिन एच, विटामिन एच और B7 भी बोलते हैं इसको, विटामिन एच और बी सेवन इसके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं यानी मिल्क वगैरह, मिल्क एग्स ये सब इसके अंदर आएगा, और लीवर किडनी मीट ये सब इसके अंदर सोर्सेज में आएगा। और इसमें मैंने तुम्हें बता दिया पीछे, इट इज नाइदर फैट सोलिबल नॉर वाटर सोलिबल। इसमें अगर इसकी कमी होगी तो लॉस ऑफ हेयर एंड डर्मेटाइटिस बोलते हैं इसको, लॉस ऑफ हेयर एंड डर्मेटाइटिस, और इससे पैरालाइज भी हो सकते हैं, इससे हम पैरालाइज भी हो सकते हैं। तो ये इसके अंदर डिटेल थी, और चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है बायोमोलिक्यूल्स। अब जो क्लास होगी ऑर्गेनिक की, अभी मैं ऑर्गेनिक की भी वो क्लासेस नहीं लूंगा जो मेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, अभी मैं सिंपल क्लासेस लूंगा कौन सी, नेम रिएक्शंस और कन्वर्जेंस की, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी और IIT मेंस के लिए भी, तो टाइम उसमें कम दूंगा, टाइम जितना मिलेगा उसमें अटेंड करना तुम्हें क्लास को। ओके थैंक्स, नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू दक्ष। दक्ष यस सर, दक्ष भेज दिए मेरे को तू एक बार। ओके सर। हम्म।